एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू वीडियो ऑन ट सीरीज़ सो इस वीडियो में हम खुद का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं दैट इज अ एल शॉर्टनर सो पहले समझते हैं यू शॉर्टनर होता क्या है ओके सो okay? so, हमारा ये बेसिक टास्क है दैट हमें एक यू शॉर्टनर एल सर्विस डिजाइन करनी है दैट टेक्स अ वैलड यू And returns a shortened URL. Okay. So for example, अगर तुमने कभी Bitly जैसी सर्विस को सर्च किया होगा so Bitly अगर हम सर्च करते हैं तो क्या है सबसे पॉपुलर यू आर एल सर्विस है इसमें क्या होता है हम अपना की URL देते हैं and वो उसका एक shortened version हमें दे देता है correct? For example, अगर मैं एक ख़ुद की वेबसाइट का एक short URL बनाता हूँ so let's see वो कैसा बनाता है तो इसने क्या किया एक यू बना दिया अब मैं अगर इस यू को विजिट करूंगा तो ऑब्वियसली इंटरनली वो क्या करेगा प्योर शर्ट और डेफ को ओपन कर देगा तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं शॉर्ट सर्विस तो ये चीज हम बनाने वाले खुद की ओके सो हेर आई हैव डिजाइन यू आर एल शॉर्ट सर्विस दैट टेक्स इन अ वैलिड यू आर एल एंड रिटर्न शॉर्ट एंड यू आर एल ठीक है अब इसमें हमारे पास क्या है ऑलसो कीप ट्रैक ऑफ टोटल विजिट्स या फिर टोटल क्लिक्स ऑन दूर एल तो हमें ये भी ट्रैक करना है दैट एक पर्टिकुलर यू आर एल के ऊपर कितने व्यूज हुए कितने क्लिक्स हुए तो ये हमारे कुछ राउट्स हैं तो हमारे पास एक पोस्ट राउट होगा स्लैश यू का जो एक नया यू आर जनरेट करेगा हमारे पास एक गेट राउट होगा जिसके अंदर हम लाइक फॉर एग्जांपल जो इसने बनाया था सो so हमारा डोमेन एंड देन ये आईडी डी एंड ये क्या करेगा यी डायरेक्ट कर देगा टू दरिजिनल यू आर एंड उसके बाद मेरे पास एक और राउट है दैट इज स्लैश यू स्लैश एनालिटिक्स स्लैश आई और ये क्या करता है रिटर्न करता है द क्लिक फॉर द प्रोवाइडेड शॉर्ट यू ओके तो ये एनालिटिक्स बताता है ये बताता है कि इसके ऊपर कितने क्लिक्स होए तो ये हमको डिजाइन करना है सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो सो हेयर इज एन एम टी फोल्डर तो मैंने एक खाली फोल्डर बनाया जिसका नाम है शॉर्ट यू आर एल तो हमारा जितना भी कोड है वो इसके अंदर जाने वाला है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एन पी एम इनिट ओके सो एन पी एम इनिट इसका नाम क्या होगा शॉर्ट यूर एल वर्शन डिस्क्रिप्शन सब कुछ एंटर 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 एंड ये क्या करेगा ये मेरे लिए पैक के शॉर्ट जीसन फाइल बना देगा ग्रेट अब मुझे कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए राइट तो मैं क्या बोलूंगा एन पी एम इंस्टॉल एक्सप्रेस ठीक है हमें एक्सप्रेस चाहिए सो so, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो नीड मंगूज राइट बिकॉज हमें डेटा भी चाहिए सो आई विल से एन इंस्टॉल मोंगूस तो इससे क्या होगा मेरा मोंगूज इंस्टॉल हो जाएगा सो so, मोंगूज भी इंस्टॉल हो चुका है एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है सो लेट्स क्रिएट आर फर्स्ट फाइल दैट इज़ इंडेक्स ऑट जी एस सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एक्सप्रेस सर से कॉन्ट एक्सप्रेस इक्ल्स रिक्वायर ठीक है तो यहाँ पे एक्सप्रेस को मैं पहले रिक्वायर कर लूँगा ओके okay. so, उसके बाद कॉन्स्ट आप इक्ल्स एक्सप्रेस तो हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया ग्रेट उसके बाद हम ला, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक पोर्ट भी बना लेते हैं सो कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स एक काम करते हैं इसको एट थाउजेंड वन पे रन करते हैं ओके सो आई रन दिस ऑन एट थाउजेंड वन देन आई से आप डॉट लेसन ऑन पोर्ट एंड जब ये लेसन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे हमें कंसोल डॉट लॉक दैट सर्व स्टार्ट एट पोर्ट ओके आठ पोर्ट एंड यहाँ पर मुझे पोर्ट को कंसोल डॉट लॉक करना है तो इसको स्ट्रिंग लिटरल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सो स्ट्रिंग लिटरल्स एंड यहाँ पर आई कैन से पोर्ट डन ओके सो अभी हमारा जो इनिशियल सेटअप है उसको पहले सेटअप करते हैं तो हमें मॉडल यू कंट्रोलर का यूज़ करना है सो आई नीड मॉडल्स आई नीड व्यूज आई नीड कंट्रोलर्स ठीक है अभी के लिए व्यूज़ नहीं होगा सो so एक काम करते हैं यहाँ पर एक राउट्स बनाते हैं राउट्स एंड मुझे कंट्रोलर्स चाहिए कंट्रोलर्स ओके एंड उसके बाद मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए एक मॉडल्स या yeah. तो सबसे पहले मॉडल से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक मॉडल होगा यू आर एल डॉट जे एस ओके तो एक मॉडल बनाते हैं मोंगूस में सो so, const mongoose इक्वल्स रिक्वायर मोंगूस ओके तो ये मेरा आ चुका है मोंगूस तो पहले स्कीमा बनाते सर से यू आर एल स्कीमास न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा सो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं हमारे पास एक यू आर एल में ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास होगा कि इसकी शॉर्ट आई डी क्या है करेक्ट शॉर्ट आई डी अब शॉर्ट आई डी का जो टाइप होगा जो टाइप होगा वो क्या होगा स्ट्रिंग राइट रिक्वायर्ड ओके सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड ट्रू ओके एंड और क्या होगा इसमें यूनिक ट्रू बिकॉज मैं नहीं चाहता कि दो लोगों की सेम शॉर्ट आई बने करेक्ट ओके सो शॉर्ट आई उसके बाद हमारे पास होगा रीडायरेक्ट यू मतलब ऑरिजिनल यू आर सो रीडायरेक्ट डायरेक्ट यू आर एल सो रीडायरेक्ट डायरेक्ट यू क्या होगा टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू यूनिक ट्रू होने की जरूरत नहीं है right? राइट उसके बाद हमारे पास क्या होगा टोटल क्लिक्स ओके टोटल क्लिक्स तो टोटल क्लिक्स में हम क्या रख सकते हैं ओके सो टोटल क्लिक्स के अंदर हम टाइम भी रख लेते हैं कितने बजे क्लिक हुआ था ओके सो आई कैन से दैट इसको एक काम करते हैं हम इसको नाम रख लेते हैं विजिट हिस्ट्री ठीक है विजिट हिस्ट्री तो ये विजिट हिस्ट्री बेसिकली क्या होगा एक एरे होगा ओके okay? एक एरे होगा जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट्स होंगे और ऑब्जेक्ट्स के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा ठीक है सो विजिट हिस्ट्री क्या हो सकता है एक तो हमारे पास होगा सो so बेसिकली बस टाइम होगा इसमें ओके सो आई विल से जस्ट द टाइम स्टैम्प ओके विच इज ऑफ टाइप तो इसकी हम टाइप दे देते हैं आ, तो इसका टाइप क्या होने वाला है इसका टाइप होने वाला है नंबर सो so, इसको एक टाइप दे देते दे हैं दे 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 नंबर डन ठीक है तो विजिट हिस्ट्री के एक है जिसके अंदर टाइम स्टाम्प्स होंगे तो हम देख सकते हैं कितने बजे क्लिक हुआ था ग्रेट एंड दैट्स इट करेक्ट एंड यहाँ पर हम कर देंगे क्रिएटेड टाइम स्टाम्स ट्रू ओके सो यहाँ पर मैं बोलूँगा टाइम स्टाम्प ट्रू सो दैट मुझे पता लगे दैट कोई भी एंट्री कितने बजे क्रिएट हुई ग्रेट तो ये हमारा डन एंड उसके बाद आए से कॉन्स्ट यू आर इक्वल्स मोंगूस डॉट मॉडल ठीक है तो इसको हम नाम देंगे यू आर एल एंड इसके अंदर अपना यू आर एल स्कीमा पास कर देंगे डन अब करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एकवल्स टू यू आर एल ओके तो जूम आउट करके दिखाता हूँ दैट कि किस तरह से लग रहा है दैट हमने मोंगूस को रिक्वायर किया एक स्कीमा बनाया जिसमें एक शॉर्ट आई डी रिडायरेक्ट यू आर एल एंड विजिट हिस्ट्री है एंड उसके बाद हमने यू आर एल बना लिया एंड डन बहुत बढ़िया ओके अगर कुछ और चीज़ चाहिए होंगी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे बट एज ऑफ नाउ इट्स ओके अब राउटर बनाते हैं ठीक है यू आर एल का राउटर बनाते हैं सो यू आर एल डॉट जे एस सो so, यहाँ पर लेट मी जूम इन अ दिटल बिट सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर एक्सप्रेस ठीक है यहाँ पर हमें चाहिए होगा राउटर सो कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स सो राउटर के लिए एल से एक्सप्रेस डॉट राउटर डॉट राउटर डन अब पहले हम हमारा ये क्या हमारा है हमारा ये यू आर एल है ओके सो दिस इज द यू आर एल तो यू आर एल में हमें पहले एक पोस्ट चाहिए स्लैश यूर एल पे ओके सो चल से राउटर डॉट पोस्ट स्लैश ठीक है मतलब ये यू एल का राउटर है तो मैं ज्यूम करके चलूंगा डाट यू आर एल एक प्रीफिक्स होगा जो ऑलरेडी एक्सप्रेस लगा देगा सो अगर तुम स्लैश पे करते हो तो मुझे यहाँ पर क्या करना है जनरेट करना है एक न्यू यू आर एल एंड मैं रिटर्न क्या करूँगा एक शॉर्ट आई डी यू आर रिटर्न कर दूंगा ठीक है सो कंट्रोलर में चलते हैं वापस सो कंट्रोलर में भी एक यू आर एल डॉट चेज़ सो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं एसिंक फंक्शन जनरेट न्यू शॉर्ट यू आर एल शॉर्ट यू आर एल एंड इसके आगे हैंडल लगा लेते हैं बिकॉज आई लाइक दैट वे सो हैंडल जनरेट शॉर्ट यूर एल इसके पास एक रिक्वेस्ट होगा एक रिस्पॉन्स होगा ओके सो लेट सी दैट हम एक शॉर्ट यू आर एल किस तरह से बना सकते हैं ओके okay? तो मैं क्या करूँगा मुझे एक सर्विस का यूज़ करना है जिसका नाम है शॉर्ट आई डी ओके सो इफ यू गो टू दिस वेबसाइट दैट इज एन पी एम जी एस डॉट कॉम एंड यहाँ पर मैं सर्च करूंगा शॉर्ट आई डी सो शॉर्ट आई डी एक पैकेज है जो बेसिकली शॉर्ट आई डी जनरेट करती है ओके okay? सो so, uh, यू कैन यूज़ शॉर्ट आई डी इज़ डेप्रीकेटेड ओके यू कैन यूज नानो आई डी सो नानो आई डी का देखते हैं दैट वाट इज़ इट डॉक्यूमेंटेशन सेज़ तो ये एक लाइब्रेरी है नानो आई डी जिसमें हम करेक्टर्स दे सकते हैं ये क्या करेगा उस करेक्टर्स की शॉर्ट आई डी जनरेट कर देता है बहुत बढ़िया ओके okay? सो so, सबसे पहले नानो आई डी को इंस्टॉल कर लेते हैं सर से एन पी एम इंस्टॉल नानो आई डी ओके एंड लेट सी इसको कैसे यूज करना है तो यहां पर हमें बेसिकली लेंथ पास करनी है ओके यू कैन सी दैट हम बोलेंगे नैनो आई डी एक लेंथ एंड उतनी लेंथ का ओके okay? उतनी लेंथ का क्या होगा एक वर्ड जनरेट हो जाएगा ओके ग्रेट सो हम एक काम करते हैं हम कितने डिजिट का रखें ये कितने डिजिट का रखते हैं लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो आई थिंक हम भी एट के साथ जा सकते हैं ओके सो यहाँ पर रिक्वायर करते हैं सो so, यहाँ पर आए से कॉन्स्ट वॉट वॉज द फॉर्मैट या कॉन्स्ट D structure equals to require and then I'll say nano ID and इसमें से मैं क्या करूंगा nano ID डी ले लूंगा great ग्रेट ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले एक आई डी जनरेट करते हैं सो आइल से शॉर्ट आई डी इक्वल्स नैनो आई डी ऑफ एट अब मुझे इसको डेटाबेस में इंसर्ट भी करना है ठीक है तो डेटाबेस को भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं हमारे मॉडल को सो कॉन्स्ट यू आर एल इक्वल रिक्वायर डॉट 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 स्लैश मॉडल स्लैश यू ठीक है सो so, यहाँ पर आयल से अवेट अवेट यू आर एल डॉट इंसर्ट नॉट इंसर्ट यू आर एल डॉट क्रिएट सो यहाँ पर हमें एक नया यू आर एल हमारे डेटाबेस में क्रिएट करना है ओके सो so, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी सबसे पहले वो होगा एक शॉर्ट आई डी सो शॉर्ट आई डी दे देते हैं ये वाली शॉर्ट आई डी जो हमने अभी जनरेट की है ओके उसके बाद रीडायरेक्ट यू आर एल तो रीडायरेक्ट यू आर एल यूज़र देगा मुझे राइट तो यहाँ पर एक वैलिडेशन करते हैं कि अगर पहले बॉडी को लेते हैं ओके कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ओके एंड यूजर क्या करेगा बॉडी में पास करेगा एक ओरिजिनल यू तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दैट इफ नो बॉडी डॉट यू ठीक है सो मैं क्या करूँगा मैं बस रिटर्न कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टाटस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस क्या होगा यहाँ पे 400 हंड्रेड बिकॉज इज अ बैड रिक्वेस्ट ठीक है स्टेटस होगा बैड रिक्वेस्ट एंड एक जेसन रिटर्न करेंगे जिसमें हम बोलेंगे एरर कि शू आर एल इज़ रिक्वायर्ड सो यू आर एल इज रिक्वायर्ड डन ओके सो यू आर एल इज़ रिक्वायर्ड ठीक है सो री डायरेक्ट यू आर एल कहाँ से आएगा वो बॉडी डॉट यू आर एल ओके डन उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पर uh, उसके बाद विजिटेड करेक्ट विजिटेड हिस्ट्री क्या होगा खाली ओके एज ऑफ नाउ खाली होगी एंड क्रिएटेड आर्ट एंड अपडेटेड आर्ट वो ऑलरेडी कर लेगा एंड उसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन ठीक है सो यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट जो तुम्हारा यू आर एल जनरेट हुआ उसकी आई डी क्या है दिस इज़ योर शॉर्ट आई डी जो भी हमने जनरेट की थी डन ठीक है सो so, इसको एक्सपोर्ट करते हैं सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स एक ऑब्जेक्ट और इसके अंदर मैं इस फंक्शन को यहां पे डाल दूंगा ग्रेट वापस चलते हैं यहाँ पे so, यहाँ पे सो सो पहले कर लेते हैं उस चीज़ को रिक्वायर डॉट 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 स्लैश स्लैश कंट्रोलर एंड इसके अंदर होगा हैंडल जनरेट न्यू शॉर्ट यू आर एल ओके बहुत बढ़िया तो एक काम करते हैं पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं एंड या डोंट फॉरगेट टू एक्सपोर्ट दिस राउटर सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर ठीक है सो so, ये हमारे यहाँ पर राउटर एक एक राउट बन चुका है दैट इज़ पोस्ट तो वापस इंडेक्स डॉट जी एस में चलते हैं तो so, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं राउट को सो so, कॉन्स्ट इसको नाम देंगे हम यू आर एल राउट इक्वल्स रिक्वायर ओके रिक्वायर फंक्शन डॉट स्लैश राउट स्लैश यू आर एल बहुत बढ़िया और मैं यहाँ पे बोलूँगा एप डॉट यूज अगर कोई भी यू आर एल से स्टार्ट होता है तो उसके लिए यू आर एल राउट यूज़ करना है डन ठीक है एक चीज़ हम भूल गए हमने अभी तक कनेक्शन नहीं किया मोंगूस का कनेक्शन नहीं किया सो so, उसके लिए हम एक डिफरेंट फाइल बना सकते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था तो so, यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक कनेक्ट डॉट जे एस ठीक है तुम कुछ भी बना सकते हो सो so, const मोंगूस इक्वल्स रिक्वायर मोंगूस मोंगूस ओके यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं ए सिंक फंक्शन कनेक्ट टू मोंगो डी बी सो so, तो मुझे यहाँ पर यू आर एल दो गए एंड नैल जस्ट से रिटर्न मोंगोज डॉट कनेक्ट एंड मैं इस यू आर एल के ऊपर तुम्हें कनेक्ट करके दे दूंगा ओके सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स कनेक्ट टू मोंगो डी बी ओके सो वापस चलते हैं यहाँ पर पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं सो कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम रिक्वायर डॉट स्लैश कनेक्ट ओके एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा कनेक्ट टू मोंगो डी बी ओके सो यहाँ पर मैं बोलूँगा कनेक्ट टू मोंगो डी बी यू आर एल क्या होगा मोंगो डी बी ओके स्लैश स्लैश लोकल होस्ट पोर्ट क्या था सो so, एक बार पोर्ट देख लेते हैं सो so, ये मेरा टर्मिनल है यहाँ पे सोल से मोंगो एस एच जैसे मोंगो एस एच करूँगा सो ये हमारा पोर्ट है टू सेवन जीरो वन सेवन ओके डिफॉल्ट पोर्ट होता है स्लैश डेटाबेस का नाम सो so, डेटाबेस का नाम हम रखेंगे शॉर्ट यू आर एल ओके डन ठीक है सो यहाँ पे मेरा कनेक्शन हो जाएगा मोंगो डी से इसके ऊपर लिसनर्स भी लगा लेते हैं कि अगर कनेक्ट हो जाता है सो एल से कंसोल डॉट लॉग सो मोंगो डी बी कनेक्टेड ओके सो स्टार्ट करके देखते हैं सो स्टार्ट स्क्रिप्ट भी कन्फिगर कर लेते हैं सो स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या होगी सो so, हमें नोड मॉन का यूज़ करना चाहिए सो नोड मॉन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं सो नोड मॉन इंडेक्स डॉट जे एस एंड एन पी एम इंस्टॉल नोड मॉन ठीक है नोड मॉन से क्या होता है जब भी मैं कुछ चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा ग्रेट अब यहाँ पे बोलेंगे एन पी एम स्टार्ट एंटर ओके सो कुछ एरर आया ओके okay. सो so, कुछ एरर आया सो ये नानो आई डी इज़ थ्रोइंग सम एरर ओके ओके सो ये नानो आई डी है कुछ एरर थ्रो कर रहा है तो एक बार देखते हैं दट हमने यहाँ पर कुछ गलत किया क्या रिक्वायर ओके देर इज सम प्रॉब्लम विद नानो आई डी तो एक काम करते हैं हम शॉर्ट आई डी का यूज़ करके देखते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर मैं बोलूँगा एन पी एम इंस्टॉल शॉर्ट आई डी सम हाउ आई डोंट नो वाई इट इज़ नॉट वर्किंग तो कोई बात नहीं हो जाता है तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं शॉर्ट आई डी का यूज़ करते हैं सो so, शॉर्ट आई डी सो so, शॉर्ट id किस तरह से यूज़ किया जाता है सो एल से शॉर्ट आई डी ईको सो रिक्वायर शॉर्ट आईडी डी एंड यहाँ पर मैं बस क्या करूंगा शॉर्ट आईडी को कॉल कर दूंगा ठीक है तो ये क्या करेगा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और मेरी शॉर्ट आईडी जनरेट हो जाएगी अब हम npm स्टार्ट करके कर देखते हैं फेवरी थिंग इज वर्किंग गुड सो स्टिल वी आर गेटिंग एन एरर ओके कैनॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ दिस थिंग ओके सो वो क्या बोल दैट रिक्वायर डिफॉल्ट इज़ अनडिफाइंड तो हमने यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स तो सही किया है विच इज़ गुड ओके मैंने इसको सेव करना भूल गया था ओके आई डेंट सेव दिस फाइल सो एक बार रिस्टार्ट करते हैं सो येस नाउ इट इज़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड तो यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग है ओके okay, तो so इसको कॉपी सो so मैं इस चीज़ को कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो ये वार्निंग भी हट जाएगी सो सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट एट डबल जीरो वन एंड मोंगो डी बी कनेक्टेड बहुत बढ़िया तो so, एक काम करते हैं टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन को भी ओपन कर लेते हैं हमारे एंड यहाँ पर हमारा एक डेटाबेस भी बन गया होगा सो आई विल से शो सो so, यहाँ पे बोलते हैं शो डी बी एस ठीक है तो ये रहा हमारा वो डी बी सो आई एल से यूज शॉर्ट यू आर एल ठीक है जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा सो शॉर्ट यू आर एल है सो so अभी अगर यहाँ पे हम कलेक्शन देखते हैं सो शो कलेक्शंस तो अभी एक ही कलेक्शन है यू आर एल्स आई एल से डी बी डॉट यू आर एल्स डॉट फाइंड सो अगर मैं यहाँ पे एक फाइंड की क्वेरी करता हूँ तो अभी हमारे पास कोई भी शॉर्ट यू आर एल नहीं है बिच इज़ गुड ओके सो मेरा पोस्ट मैन भी यहाँ पर ओपन हो चुका है सो आई विल ब्रिंग इन माई पोस्ट मैन हेयर ओके सो so, ये रिक्वेस्ट थी पिछले वीडियो की सो so इनको हम डिलीट कर देते हैं सो आई मेक अ न्यू रिक्वेस्ट ठीक है एक न्यू रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट टू एच टी टी पी स्लैश स्लैश लोकल होस्ट पोर्ट एट जीरो जीरो वन राइट पोर्ट एट जीरो जीरो वन एंड इसमें हमारे पास एक ही राउट है दैट इज स्लैश यू आर एल सेंड करके देखते हैं क्या आता है सो हमारे पास कुछ एरर आया ओके वी गॉट एन एरर दैट बॉडी डॉट यू आर एल सो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी बॉडी ओके सो so, हमने एक मिडल नहीं लगाया हमें एक मिडल लगाना है दैट इज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन राइट जो इनकमिंग बॉडीज़ को पार्स कर सके सो so, यहाँ पर बोलते हैं आप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन ओके एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड इससे ये ठीक हो जाएगा ओके सो एल गो बैक बॉडी रॉ तो हम जेसन के साथ वर्क करेंगे सो so, जेसन के अंदर लेट्स से मैं कुछ भी सेंड नहीं कर रहा सो so, मेरे पास एक एरर आ रहा है यू आर एल इज़ रिक्वायर्ड क्वाइट ऑब्वियस तो ठीक है यहाँ पर एक यू दे देते दे हैं सो so, मैं इसको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ ओके okay? मैं इसको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ खुद की वेबसाइट पे दैट इज़ प्यूश गर्क डॉट डेव सेंड किया सो so, मेरी ये एक शॉर्ट आई डी जनरेट हो गई ओके सो डेटा बेस में जाकर देखते हैं दैट डेटा बेस में जनरेट हुआ सो डी बी डॉट यू आर एल डॉट फाइन सो शॉर्ट आई डी है ये एंड इसको हमें कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है इस पर्टिकुलर यू आर एल पर रिडायरेक्ट करना है ठीक है सो so, हमारी शॉर्ट आई डी जो है वो जनरेट हो रही हैं अब हमें एक राउट डिज़ाइन करना है जहाँ पर बेसिकली मैं इसको गेट कर सकूँ के जैसे मैं इस पर रिक्वेस्ट करूँ इस यू आर पे तो ये ये यू कुछ इस तरह का होने वाला है सो एच टी टी पी लोकल होस्ट एट तो जैसे मैं इस पर रिक्वेस्ट करूँ मेरी पीयूषकर डॉट डेव वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए ओके okay. सो so, देखा जाए तो ये एक डायनामिक राउट है करेक्ट तो ये एक डायनामिक राउट है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक राउट बनाऊँगा सर से ऐप डॉट गेट ठीक है अभी के लिए यहाँ पे बना लेते हैं तो यहाँ पर तुम मुझे क्या दोगे एक शॉर्ट आई दोगे करेक्ट यू विल गिव मी अ शॉर्ट आई सो यहाँ पर रिक्वेस्ट सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सो यहाँ पर बहुत सिंपल सा वर्क है हमें दो चीज़ें करनी है ओके okay? हमें यहाँ पर दो चीज़ें करनी है सबसे पहले हमें उस चीज़ को डेटाबेस में से फैच करना है उसको इंक्रीमेंट करना है एंड उसके बाद हमें यूजर को रिडायरेक्ट कर देना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो एक काम करते हैं पहले हम इसको यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं बाद में हम उसको रिफैक्टर कर लेंगे ओके okay? और मे बी यू कैन डू दैट तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यू चाहिए होगा सो रिक्वायर सो एल से रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यू आर एल ठीक है अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले एल से कॉस्ट जो शॉर्ट आई डी यूजर ने मुझे दी है सो एल से रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट शॉर्ट आई डी फिर मैं बोलूँगा अवेट यू आर एल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट ठीक है तो मुझे उसको एक अपडेट करना है ठीक है फाइंड वन एंड अपडेट सो उसकी वो पूछ रहे हैं दट फाइंड नॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट आई से फाइंड वन एंड अपडेट सो फाइंड वन एंड अपडेट तो मुझे उसको फाइंड करना है पहले ठीक है तो फाइंड करने के लिए मैं क्या दूंगा मैं उसको एक शॉर्ट आईडी दूंगा सो so, ये मैंने उसको शॉर्ट आईडी दे दी एंड इसको एस इंटरनस बना लेते हैं सो दैट आई कैन यूज अवेट ठीक है अपडेट क्या करना है ओके okay, अपडेट क्या करना है सो एल से डॉलर ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर डॉलर इंक्रीमेंट डॉलर पुश तो मुझे पुश करना है राइट right? बिकॉज वो एक आर है ये एक आर है तो मुझे इसमें एक पुश करना है सो एल्स ए डॉलर पुश सो डॉलर पुश ठीक है विजिटेड हिस्ट्री के अंदर मुझे क्या पुश करना है मुझे डेट डॉट नाउ ठीक है डेट डॉट नाउ मतलब कि अभी का जो करंट डेट है मुझे वो पुश करना है ओके एंड इन रिटर्न ये मुझे क्या देगा ये मुझे एंट्री दे देगा करेक्ट ये मुझे ओरिजिनल एंट्री वापस कर देगा सो दिस एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मुझे यूजर को रीडायरेक्ट करना है सर से रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट ठीक है कहाँ रीडायरेक्ट करना है यू आर एल सो एंट्री डॉट रीडायरेक्ट यू आर एल डन ठीक है सो चला के देखें सो so, अभी यू कैन सी दैट अगर मैं इसको सर्च करता हूँ सो यू कैन सी विजिटेड हिस्ट्री क्या है खाली है ओके okay? किसी ने इसको विजिट नहीं किया विजिट करते हैं सेंड किया सो वी गॉट एन एरर ओके वी गॉट एन एरर सो एर देखते हैं क्या एरर आया हमारे पास ओके okay, तो वो कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए बट हमने उसको एक टाइम स्टैम्प दिया सो या दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग तो हमें यहाँ पर क्या देना है हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देना था जिसके अंदर ओके okay? जिसके अंदर एक टाइम स्टाम्प होते सो so, एक काम करते हैं हमारे मॉडल पे वापस आते हैं सो so, इसके अंदर हमें एक टाइम स्टाम्प देना है ओके विच इज़ अ डेट डॉट नाउ ओके सो ये हमने नेक्स्ट स्कीमा में आ, हमने यहाँ पर गलत कर दिया था रिस्टार्ट करते हैं एन पी एम स्टार्ट मोंगड़ी भी स्टार्टेड डी बी डॉट the visited history डॉट फाइंड नथिंग इन विजिटेड हिस्ट्री सेंड किया देखते हैं मैं कहाँ लैंड करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ मैं पीयूष डॉट डेव की वेबसाइट पे आ गया एंड अगर मैं यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक विजिट हिस्ट्री है करेक्ट बहुत बढ़िया ओके इफ़ आई कॉपी दिस यू ठीक है मैं इस URL को कॉपी करता हूँ एंड आई विल गो टू क्रोम तो एक क्रोम ओपन कर लेते हैं एंड मैं क्या करूँगा एच टी टी पी लोकल होस्ट एट जीरो जीरो वन एम आर जी जो भी मेरी आई डी जनरेट हुई थी एंटर करते हैं देखते हैं कहाँ जाते हैं सो आई एम देयर ऑन फ्यूशर डॉट डेव ठीक है तो ये शॉट यूएरल बेसिकली हमारा वर्क कर रहा है राइट हमारा शॉट यूरल वर्क कर रहा है एक काम करते हैं एक और शॉट यूएरल बनाते हैं सो एल मेक अ न्यू यूएरल फॉर गूगल डॉट कॉम तो मैंने बनाया गूगल डॉट कॉम मैंने इसको किया सेंड मेरी आई डी जनरेट हुई अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस आई डी को अपने फ्रेंड से शेयर कर सकता हूँ ओके आई कैन ये आई डी जनरेट जो हुई मैं क्या करूँगा इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दूंगा जैसे ही वो इसको विजिट करेंगे वो गूगल डॉट कॉम पर पहुँच जाएंगे ओके एंड यू कैन सी दैट इसकी अगर मैं हिस्ट्री देखता हूँ अगर मैं इसके एनालिटिक्स देखता हूँ तो वो भी हमारे पास ट्रैक हो रहे होंगे सो गूगल डॉट कॉम के ऊपर अभी वन क्लिक है ट्यूश कर के ऊपर भी अभी इस टाइम टू क्लिक्स हो चुके हैं ओके ग्रेट एक काम करते हैं गूगल डॉट कॉम के ऊपर और क्लिक करते हैं सो so, मैं उस 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 यूरल को दोबारा से विजिट करता हूँ सो so, मैं दोबारा से आया सो so, अगर अब मैं दोबारा से रन करूँगा तो so, अब गूगल डॉट कॉम के ऊपर टू क्लिक्स हैं कितने बजे हैं वो भी हमारे पास आ रहा है ओके okay? अब हमारा एक फाइनल राउट रहता है इफ़ यू रिमेंबर दैट हमने ये भी कर लिया है हमने ये गेट वाला भी कर लिया रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट यूज़र टू द ओरिजिनल यूआरएल अब हमें एक एनालिटिक्स राउट बनाना है जिसमें हम बता सकते हैं दैट कितने बजे कितने क्लिक्स होते हैं राइट सो वो हम कैसे कर सकते हैं बहुत ईजी है सो वॉट आई विल डू आई विल गो टू दिस राउट तो यहाँ पर मुझे एक राउट बनाना है ठीक है सो so, वो राउटर होगा राउटर डॉट गेट स्लैश एनालिटिक्स ओके एनालिटिक्स सो लेट्स गो बैक टू आर कंट्रोलर तो कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाएंगे एसिंक फंक्शन हैंडल गेट एनालिटिक्स ओके हैंडल गेट एनालिटिक्स सो इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स अब अगर मैं तुम्हें ध्यान से राउट दिखाता हूँ तो राउट्स कुछ ऐसा होने वाला है गेट स्लैश शॉर्ट आई ठीक है तो तुम मुझे एक शॉर्ट आई दोगे ओके okay. सो so, वापस चलते हैं तो so, यहाँ पे मैं पहले शॉर्ट आईडी ले लेता हूँ सो एल से शॉर्ट आई डी इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट शॉर्ट आई डी ओके उसके बाद मैं बोलूँगा अवेट यू आर एल डॉट फाइंड वन ओके फाइंड वन जिसके अंदर शॉर्ट आई डी ये है ठीक है तो so, यहाँ पे मैं मैंने इसको फाइंड कर लिया सो so, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा एंड आई जस्ट से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन टोटल क्लिक्स ठीक है टोटल क्रिक्स कितना होगा कि जितना भी मेरे रिजल्ट के अंदर जो मेरा विजिटेड है उसकी जो भी लेंथ है करेक्ट वो मेरा विजिटेड है एंड हम एनालिटिक्स भी सेंड कर देते हैं पूरा का पूरा सॉल से विजिट हिस्ट्री सेंड कर दो सो रिजल्ट डॉट रिजल्ट डॉट विजिट हिस्ट्री तो ये भी मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया आउट करके दिखाता हूँ मैंने क्या किया शॉर्ट आईडी से डेटाबेस uh, में क्वेरी किया एंड उसके बाद जो भी उसकी विजिट हिस्ट्री है वो मैंने सेंड कर दिया डन ठीक है तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट तो ये हो चुका है एक्सपोर्ट यहाँ पर इसको हम कर लेंगे इम्पोर्ट तो ये मैंने कर लिया यहाँ पर इम्पोर्ट एंड डन ठीक है तो हिस्ट्री देखते हैं सो मैं देखना चाहता हूँ दैट इस पर्टिकुलर यू के ऊपर कितने क्लिक्स हुए ओके सो एल से एच टी टी पी लोकल हो स्लैश यू आर एल स्लैश एनालिटिक्स स्लैश ये चीज़ सेंड करते हैं सो इसके ऊपर टोटल क्लिक्स अभी कितने चल रहे हैं दो चल रहे हैं ठीक है ये गूगल डॉट कॉम वाली है ठीक है इसके ऊपर और क्लिक्स करते हैं ठीक है इसको कॉपी सो मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर पेस्ट करूँगा अब कितने क्लिक्स हो जाने चाहिए अब तीन क्लिक्स हो जाने चाहिए सेंड करते हैं सो नाउ द टोटल क्लिक्स आर थ्री एंड मुझे पता लग रहा है कितने बजे क्लिक हुआ एंड दैट इज़ हाउ यू कैन जनरेट योर ओन यू आर एल शार्टनिंग सर्विस यूजिंग नोट जेस ओके अभी इसका कोई यू नहीं है सो आने वाली वीडियोज में हम इसके यू के ऊपर वर्क करने वाले हैं सो so हम यू बनाएंगे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सब बनाएंगे बट आई होप दैट हमें एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि यू आर एल शार्टनिंग सर्विस काम कैसे करती है ओके यू आर एल्स शॉर्ट कैसे किए जाते हैं हम और भी एनालिटिक्स को कलेक्ट कर सकते हैं जैसे यूज़र का आई पी एड्रेस किया यूजर ने कितने बजे रिक्वेस्ट किया कहाँ से रिक्वेस्ट किया सो एवरीथिंग वी कैन कलेक्ट एंड कीप इन आर डेटा बेस एंड दैट इज़ हाउ यू एल शॉर्टनिंग वर्क सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय टेक केयर